हिंदुओं के वोट में बिखराव जरूरी है, इसीलिए हिंदुओं को उनकी जाति याद दिलाई जा रही है। हालांकि मुस्लिम समाज भी कई जातियों में बटा है, लेकिन मुसलमान मुसलमान ही बना रहे, इसी में राजनीतिक दलों को फायदा है। आप सोचिए, हिंदुओं की जाति खूब चिल्ला चिल्ला कर बताने वाली पार्टियां मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं बताती? आखिर अचानक से देश की हिंदू आबादी को जाति क्यों याद दिलाई जा रही है? पहले बिहार में मुसलमानों में कितनी जाति है वो देख लीजिए। बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है, इनमें 12.9% पिछड़े हैं और 4.9% ऊंची जातियां। पठान 0.02%, रिजवी 0.01%, शेख 0.02%, खान 0.03%, मिर्जा 0.10%, सईद 0.22%, भार सैया 0.02%, अंसारी 0.09%, मंसूरी 0.08%, इदरीशी 0.22%, कुरैशी 1%, डफली 0.92%, फकीर 2%, नोट 1.9%, हलालखोर 0.9%, बंजारा 0.02%, भुखेड़ी 0.72%, भिष्टी 0.12%, कसाई 0.62%, शिया 6.2%, बरेलवी 1.6%, देवबंदी 1.4%, अहले हदीस 0.09%, अन्य 0.74%। हिंदुओं की जाति का चीख चीख कर प्रचार करने वाले मुस्लिम जातियों को क्यों छिपा रहे हैं? बिहार में कुल 81% हिंदू हैं। इन्हीं हिंदुओं को उनकी जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। बिहार सरकार ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक इसको सामाजिक न्याय के रास्ते में एक मिसाल बता रहे हैं। 21वीं सदी का भारत चंद्रयान बनाकर चांद को जीत रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां अमेरिका और चीन के बाद भारत में बन रही हैं। स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। देश आज दुनिया में सबसे तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर पा रहा है। देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछ रहा है। भारत दुनिया को आईटी प्रोफेशनल्स दे रहा है। आज का भारत दुनिया को मेड इन इंडिया हथियार बेच रहा है। 21वीं सदी में भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करना बचा है। भारत ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। चीन जैसे देश से अपना सब कुछ लेकर कंपनियों ने भारत का रुख कर लिया है। भारत आज सुई से लेकर हवाई जहाज और युद्धपोत तक सब खुद ही बना रहा है। भारत की विकास ने अचानक रफ्तार इसलिए पकड़ी क्योंकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। देश का नागरिक अपने देश को दुनिया की बुलंदी पर देखना चाहता है, लेकिन इसी देश के कुछ नेता और उनकी राजनीतिक विचारधारा ये सब नहीं चाहती कि देश की रफ्तार बरकरार रहे। बिहार में हुई जातीय जनगणना देश को जाति के दलदल में फिर से फंसाने की कोशिश है। 2014 के चुनाव से अब तक देश में राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रबल हुई है। 2014 में मोदी के उदय ने जाति की दीवार को ध्वस्त कर दिया। लोग जाति बिरादरी से आगे बढ़कर देश के लिए वोट करने लगे। देश की क्षेत्रीय पार्टियां जो अधिकतर जाति आधारित राजनीति करती हैं, उनकी दुकान करीब करीब बंद हो गई। 2014 के बाद भी इन राजनीतिक पार्टियों ने बार बार कोशिश जरूर की कि दलित अगले के नाम पर देश के हिंदुओं के बीच में खाई पैदा की जाए। रोहित वेमुला जैसे मुद्दे उसी दिशा में एक प्रयास था, लेकिन 2019 के आम चुनाव में इनका ये प्रयोग भी बुरी तरह से विफल रहा। इन क्षेत्रीय दलों सहित कांग्रेस ने देश में मुस्लिम तुष्टिकरण जमकर किया। 2014 के चुनाव में मोदी और बीजेपी ने इन पार्टियों की तुष्टिकरण की नीति जनता के सामने एक्सपोज कर दी। देश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदुओं ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट कर दिया। 2014 से पहले मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस और अन्य दलों के लिए होता था, लेकिन 2014 के बाद हिंदू वोट भी ध्रुवीकृत हुए और मोदी पीएम बन गए। देश की विपक्षी पार्टियों को ये समझ आ गया कि जाति का टैबू खत्म हो गया है। लोग सनातन और हिंदू के नाम पर मोदी को वोट कर रहे हैं। जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये संकट काल था, लेकिन अब वो समझ गए हैं, जब तक देश के हिंदुओं के दिल में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी या उनके अंदर का हिंदू जागा रहेगा, क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल होगी। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कार्ड ढूंढना जरूरी हो गया है और इसीलिए ये दल जातिगत जनगणना के पीछे पड़े हैं। जातिगत जनगणना का केवल एक मकसद है, वो है हिंदुओं के बीच में जाति की दीवार खड़ी की जाए, हिंदुओं की भावना को कुंद किया जाए, लोगों की भावनाएं और उनकी पहचान उनकी जाति से जोड़ी जाए। जाति से लोगों की पहचान जोड़कर हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश है। अगला पिछड़ा ऊंच नीच करवाकर देश में हिंदुओं में पनपे सनातन के भाव को कमजोर करने की कोशिश है। नेता ही जातिवाद की वकालत कर रही हैं। आखिर 21वीं सदी के भारत में जातिवाद की क्या जरूरत पड़ गई?
लालू यादव 90 के दौर में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। उनके सुपुत्र तेजस्वी 30 साल बाद बिहार में जाति गिनवाकर महान काम बता रही हैं। सवाल है कि जो लालू यादव अपने बेटे के अलावा किसी दूसरे पिछले के बेटे के हाथ में पार्टी का नेतृत्व नहीं दे सके, वो पिछलों के भलाई के लिए जाति जनगणना करवा रही हैं। जो राजनीतिक दल अपने परिवार से बाहर पार्टी की बागडोर तक किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते, ऐसे कैसे मान लिया जाए कि जाति जनगणना वाकई में पिछलों के हित में है। जातीय जनगणना करवाया इसलिए गया या इसकी मांग पूरे देश में कुछ राजनेता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पहचान हिंदू और हिंदुत्व से उनको दिक्कत है। वो आपको जाति के अंधकार में फंसा कर रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपनी दुकान चलती रहे। देश के अधिकतर नेता और राजनीतिक दल उठाकर देख लीजिए, वो चाहे किसी भी राज्य के हों, पिछड़े और दलित ही बात उनकी जुबान पर होती है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवार में ही रहता है। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी जैसे शब्द उनके लिए वोट बटोरने का साधन है। देश के बड़े राज्यों में बिहार सबसे गरीब है। देश के बड़े राज्यों में सबसे कम GST बिहार से आता है। बिहार में प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ICU पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार के लिए बेमानी है, लेकिन सारा सरकारी अमला जात गिनने में लगाया गया है, आखिर क्यों? और बिहार की सरकार को पिछड़ों की बहुत चिंता है, जबकि पिछले 30 साल से बिहार में जो भी CM रहा है वो पिछले वर्ग से ही रहा है। जातिगत जनगणना से देश की रफ्तार को रोकने की कोशिश है, समाज में जाति के नाम पर दुर्भाव फैले, ऐसा ही ये नेता चाहते हैं। लेकिन जब तक आप हिंदू बने रहेंगे इसको मुश्किल होगी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाले दौर में नेता बड़े ठाठ से जात पात की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? कोई भी राष्ट्र जो आगे की तरफ देख रहा है उसमें कुछ लोग जात पात की दकियानूसी सोच को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? जात की गिनती करने वाली बिहार सरकार बता सकेगी उसके इस महान क्रांतिकारी कदम के बाद किसी बिहारी को मजदूरी के लिए राज्य नहीं छोड़ना होगा? इस आंकड़े के जारी होते ही लोग अन्य राज्यों से बिहार नौकरी की तलाश में पहुंचेंगे।